लेकिन सपना पूरा तभी होगा जब तुम जीवन में प्रेशर को डेवलप नहीं होने दो, छोटे छोटे प्रेशर, यार अगले महीने पैसा नहीं आएगा यार, यार मुझे दो साल के अंदर कर लेना नहीं तो मेरे पापा रिटायर हो जाएंगे यार, इससे बचो, इससे बचो, क्योंकि प्रेशर, या अगर तुम बहुत ही बिंदास हो, तुमने कहा भाई भीख मांगेंगे सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, तुमने तैयारी शुरू की और किताबों के साथ साथ एक कटोरा भी खरीद लिया और कटोरे पे लिख दिया भिखमंगा और जहां तुम पढ़ाई करते हो उसके सामने रख लिया, तो जब भी तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगा तुमने एक बार कटोरे को देख लिया, पढ़ने की इच्छा बढ़ गई, अरे भैया यही फ्यूचर है। लड़के 80% प्लान बी के चक्कर में परेशान रहते हैं पहले अटेम्प्ट से, पहले कम से कम पहले अटेम्प्ट में तो मत करो यार, तुम्हारा आधा खून पीता है वो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो कटोरा रख लो, तो लिख लो भिखमंगा सामने रख लो, जहां मंदिर अंदर बनाया हो वहीं पे रख लो, ऐसे देख लो कि मुस्कुरा दिया करो, कभी राजस्थान में खाई देखे हो, वैली नहीं देखे होगे, लेकिन हिमालयास में, क्योंकि जितनी ऊंचाई होगी उसके बगल में उतनी नीचा, उतना ही नीचा भी होगा, यह जीवन का सिद्धांत है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि अरे यार जीवन, जीवन जो है बड़ा विरोधाभासी है, और जो उस विरोधाभास को समझते हैं वो महान है। अपने सपने को किसी को पता मत चलने दो, और प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर इसको मत बनने दो, ज्यादा बढ़ जाएगा स्ट्रेस पैदा कर देगा, ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा डिप्रेशन पैदा कर देगा, और डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाएगा, सॉरी प्रेशर बढ़ेगा स्ट्रेस पैदा करेगा, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा एंजाइटी पैदा करेगा, और एंजाइटी ऐसी चीज है जो तुम्हें पता नहीं चलेगी, बड़ा छुपी हुई खतरनाक बीमारी एंजाइटी, एंड मौके पर पता चलेगी, एग्जामिनेशन दे जाओगे बढ़ जाएगी, 15 क्वेश्चन जानते हो गलत करके चले आओगे, चार प्रॉब्लम्स दोगे नहीं होगा, किससे कहोगे जाके, क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ सफलता की पुजारी है, यहां तुम जीते नहीं कि लोग आ गए लेट गए तुम्हारे पैरों पर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैवी विल नॉट गिव वीजा टू मोदी, अच्छा भैया क्यों, हाँ मोदी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जिनोसाइड, अच्छा हम मोदी को वीजा नहीं देंगे, बहुत अच्छा सर, जैसे वो आदमी प्रधानमंत्री बना, अरे अमेरिका मोदी मोदी हाउडी मोदी, आने की कमरे में अपने रखते थे, उठो जागो और तब तक मत सरेंडर करो जब तक गोल हासिल ना हो, बड़ा अच्छा लगता था पढ़ के, लेकिन समझ में नहीं आता था कि गोल क्या है यार, आईएएस बनना ही गोल है, पीसीएस बनना ही गोल है, बस यही, ये कन्वर्जन है सर, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परंपरा है, द्विज ट्वाइस बॉर्न, बड़े सारे एग्जांपल्स हैं सर, हिंदू एग्जांपल, मुसलमान एग्जांपल, बड़े सारे एग्जांपल हैं सर, बड़े सारे एग्जांपल हैं, सिद्धार्थ बुद्ध, ये बहुत बड़ी परंपरा भारत की है सर, और अगर हम इस परंपरा को जीवित रख लेते सर, ये देश कभी गुलाम होता ही नहीं, अगर इस परंपरा तो जीवित है, लेकिन अगर इसे हम डोमिनेंट रख लेते, डोमिनेंट सर,
द्विज परंपरा। अब ध्यान के चरण, यह दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण पहल, फेसेस। फेसेस, पहला फेस यही इंपॉर्टेंट है सर, मन को समझना या देखना। यह पहला बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है कि आप देख लें, आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का और शाम को आप एकदम ताव में हैं कि बस कल 4 बजे कुछ भी हो जाए, खत्म सारी नाटकबाजी। और रात में आप एकदम ताव में हैं कि खत कुछ नहीं, कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है। अलार्म लगाया आपने सुबह 4 बजे, अलार्म बजा। अब आपके इस मन ने ये नहीं कहा कि नहीं उठना है ना, ये तो ये कहेगा ही नहीं, ये इसकी खूबसूरती है सर, ये नहीं कहता ही नहीं। ये आपसे पता क्या कहेगा कि 5 मिनट यार, 5 मिनट में कुछ बिगड़ता है? आपको भी लगता है कि हाँ यार 5 मिनट में क्या, 4 बज रहा, 4-5 पे उठ जाएंगे सर, आप इसकी चालाकियां समझो सर। और आपने आंख बंद कर ली, और जैसे ही आपने आंख बंद की, अगली बार जो आपकी नींद खुली तो 8:30 सुबह बज रहे थे। मजा तब आएगा सर, तभी आपको जलील करेगा कि देखो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ, और पूरा दिन आपका भारी रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जलील कर रहा है ना अंदर से, आप उखड़े हुए हैं, पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही। अब अगर वहीं पर ही आपसे कहते कि चलो यार आज कोई बात नहीं कल कर लेंगे, ना ना जलील करेगा ये आपको, पूरा दिन आप डिस्टर्ब रहेंगे। ये बार बार कहता रहेगा 4 बजे उठ ही नहीं पाए, 4 बजे उठ लिए होते तो 5 घंटा पढ़ लिए होते। अरे तो भैया 8:30 बजे से 5 घंटे पढ़ लो, वो करने ही नहीं देगा वो। ये इसकी चालाकियां हैं। 31 दिसंबर को हजारों लोग कसमें खाते हैं, हमने भी कभी खाई थी, कि 1 जनवरी से कोई सिगरेट नहीं पीना, खत्म। और अब भाई साहब रात में कसम कि कल से खत्म, कोई सिगरेट नहीं, और मां बाप का पैसा बर्बाद नहीं करना, और बहुत बदतमीजी यार, ये क्या है, पढ़ाई नहीं हो रही, सिगरेट पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, कसम खा ली। 1 जनवरी दोपहर 12 बजे ये कहता है कि अरे सिगरेट ऐसा थोड़ी है, नेहरू जी पीते थे, बड़े बड़े लोगों का नाम याद कराएगा। अब देखा आप इसकी चाल देखिए, बड़े बड़े लोगों का नाम फेंकेगा आपके सामने। ओ फिदेल कास्त्रो इतना बड़ा रूलर था, वो सिगार पीता था, सद्दाम हुसैन पीता था, सब पागल थे। आपने कहा नहीं नहीं हम नहीं पियेंगे, हम कसम नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं पीते। फिर ये कुछ देर शांत रहेगा, शांत रहेगा सर, फिर कहेगा कि अरे दिन में 5 पीने से क्या आ जाता है, 1 सुबह पी लो, 1 दोपहर पी लो, फ्रेश होने के लिए पी लो, सिगरेट पी के माइंड ही तो फ्रेश करके पढ़ना ही तो है। एक इंटरेस्ट आपका जोड़ देगा कि सिगरेट पी और पढ़ाई। आप फिर भी झांसे में नहीं आए कि बड़े सारे अच्छे अच्छे लोग थे, कभी सिगरेट, सदगुरु सिगरेट नहीं पीते, उनसे ध्यान नहीं होता, फिर ये चुप हो जाएगा। फिर 1 घंटे बाद ये एक्टिव होगा कि अरे 1 पीने से क्या होता है, 1 आदमी तो धीरे धीरे ही कोई चीज छोड़ता है ना, कहीं ना कहीं ये आपको तोड़ेगा सर, पूरी ताकत लगाएगा लास्ट तक, और 1 पिला देगा सर। और जब 1 पिला देगा फिर कहेगा जब 1 पी ही लिए, कसम टूटी गई, तो अब अगले साल देखेंगे। इसकी जो चालाकियां हैं सर, उनको देखना बहुत बड़ी बात है। मन को समझना बहुत, यही इसीलिए हिंदुस्तान में एक शब्द है दर्शन, फिलॉसफी के लिए जो हमने वर्ड बनाया है वह है दर्शन, देखकर। लर्निंग बाई सीइंग, वेस्टर्न फिलॉसफी लव फॉर नॉलेज, उनकी डेफिनेशन अलग है, हमारी फिलॉसफी का जो वर्ड है दर्शन, लर्निंग बाई सीइंग। बुद्ध ने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा स्पिरिचुअलिज्म, देखा, क्या देखा, एक ओल्ड मैन को देखा, एक डेड बॉडी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा और एक सन्यासी को देखा, वहां से क्यूरियोसिटी पैदा हुई। हमारी तो एजुकेशन पॉलिसी ने हमारी क्यूरियोसिटी को तो मार ही डाला। दर्शन, अगर आप मन की इन छोटी छोटी चालाकियों को पकड़ने लगे सर, छोटी छोटी, वो पहला चरण है सर, फर्स्ट फेज। और एग्जांपल देगा कि अभी 21 साल उम्र है, अभी तो हम पापा भी कह रहे थे अभी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी तो 21 ईयर एज है,
अगली बार दे लेंगे। इसके टालने की आदत है सर। ये जो पहला फेस है इसका वो बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि उस माइनोर चीजों को पकड़ना, आप उनके प्रभाव में आ जाएंगे सर। वो 30 साल पुराना मन है याद रखिएगा, और आप एकदम नए हैं। ये पहला फेस होता है सर। हर अच्छी चीज को कल पे टाल देगा, हर। आप ट्राई करके देख लो। योगा करना है कल से, कल सुबह उठेंगे, ये नहीं 11 बजे उठे तो चलो 11 बजे ही करेंगे, 12 बजे उठे 12 बजे करेंगे, 1 बजे उठे 1 बजे करेंगे। नहीं नहीं तुरंत कह देता, अब तो 1 बज गया, दोपहर हो गया, दोपहर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है साइंस कहती है, तो चलो कोई बात नहीं अब कल से कर लेंगे। ये मना तो करेगा नहीं सर। इसकी सबसे प्यारी बात है, ये किसी भी काम को मना नहीं कर, आपकी किसी बात को मना नहीं करेगा पर करने भी नहीं देगा। सबसे मजेदार बात, आपकी किसी बात को मना नहीं करेगा पर सर ये करने नहीं देगा, यही इसकी ब्यूटी है सर। और वो जब आप पकड़ लेते हैं, बस पहले चरण आपका पूरा हो जाता है। जहां आपने उस बात को पकड़ा कि अरे यार ये तो 15 दिन से मुझे सुबह उठने ही नहीं दे रहा, और सर ये रिपीट करेगा, दूसरे दिन शाम को भी आप कहेंगे कि कल तो उठना ही है, हां कहेगा बिल्कुल एकदम उठना, और 3:50 तो उठना है, फिर सुबह वही नाटक कर देगा। ये पहला चरण है, बड़ा क्रूशियल चरण है, बड़ा प्यारा चरण है सर। इसकी चालाकियों को पकड़ना सर।